Hello everyone, welcome to my channel Beauty Destination and I am Ritu and welcome to another exciting video. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सम मस्ट हैव स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन एंड एज वेल एज फॉर सेंसिटिव स्किन. एक्चुअली मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली एंड सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन है. सो ऑयली स्किन वालों के जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक एक्ने, ब्लेमिशेस, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, मैं भी इन सब के विक्टिम रह चुकी हूँ. तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए मैं खुद कौन कौन प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड इन सारे प्रोडक्ट्स आपको 50 से 500 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा. सो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाला है. एंड इन सारे प्रोडक्ट्स मैं आज जो जो आपके साथ शेयर करूँगी इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से जाकर इन सब प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. एंड वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो छोटा सा एक बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके एंड आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मेन 3 स्टेप होते हैं वो है CTM. अगर आपको इस CTM के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. CTM के C stands for cleansing. Cleansing means आपके फेस को वॉश करना और क्लींस करना. एंड फेस को वॉश करने के लिए मैं जो आज फर्स्ट फेस वॉश आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है दिस डम डॉक एंटी एक्ने फेस वॉश. एंड ये जो फेस वॉश है ये स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही बनी हुई है. एंड इस फेस वॉश की जो खासियत है वो है इसमें सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट है. एंड सैलिसिलिक एसिड अगर आपको पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सैलिसिलिक एसिड स्किन के पोर्स के अंदर से सारे एक्स्ट्रा ऑयल, सेबम, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को खींच के निकलने में एंड स्किन के सारे डेड सेल्स को रिमूव करने में एंड एक्टिव पिंपल को भी किल करने में बहुत ही एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है. एंड मैं इस फेस वॉश को करेंटली मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज कर रही हूँ. एंड ये जो फेस वॉश है ये मेरी काफी फेवरेट एक फेस वॉश बन चुकी है. सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस फेस वॉश को जस्ट आंख बंद करके खरीद सकते हो. एंड आप अगर मेरे से मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैं मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फेस वॉश मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है दिस एरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश. कम बजट के अंदर ऑयली स्किन पीपल के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है फेस वॉश की. नेक्स्ट जो फेस वॉश मैं सजेस्ट करूंगी वो है दिस गुड वाइब्स चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश. एंड क्योंकि चारकोल स्किन के अंदर से सारे पोर्स को डीप क्लींस करने में एंड स्किन को अंदर से प्यूरीफाई करने में बहुत ही एक हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है. ये स्किन को अंदर से क्लीन करता है, अंदर स्किन के पोर्स के डीप से सारे ऑयल वगैरह, सेबम वगैरह एक्स्ट्रा सबको निकालने में, खींच के निकलने में एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है. तो ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है फेस वॉश की. एंड लास्ट में मैं इन दोनों फेस वॉश को सजेस्ट करूंगी. ये है हिमालया प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश एंड ये है क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश एंड दिस इज द नो फ्लेवर्ड वन. एंड ये दोनों फेस वॉश भी बहुत ही इफेक्टिवली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर काम करता है. एंड ये दोनों फेस वॉश इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है कि कोई भी स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल, टीनेजर कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है. ये दोनों का ये जो छोटा वाला पैक है वो आपको शायद 20 रुपीज़ के अंदर ही, 15 से 20 रुपीज़ के अंदर ही इसको आपको मिल जाएगा. सो ये दोनों भी ग्रेट ऑप्शन है ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए. सो ये रहे CTM की सी और क्लींजिंग वाली पार्ट. अब आती हूँ CTM की नेक्स्ट पार्ट यानी टी पे. एंड हियर टी स्टैंड्स फॉर टोनिंग. स्किन को क्लींस करने वक्त हमारे स्किन के जो सारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड स्किन को क्लींस करने के तुरंत बाद उन सब सारे पोर्स को क्लोज करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इन सब पोर्स को क्लोज करने के लिए आपको यूज करना चाहिए टोनर. टोनर्स के लिए मैं आज आप लोगों को सजेस्ट करूंगी इन 3 टोनर्स को. जो फर्स्ट वन है वो है दिस गुड वाइब्स नीम तुलसी ग्लो टोनर एंड दिस इज माई फेवरेट टोनर. आई एम यूजिंग दिस टोनर सिंस लास्ट 4 और 5 मंथ एंड ये एक जस्ट
दिस इज अ बून फॉर ऑयली स्किन, बहुत ही अच्छा है, ग्लो देता है, बहुत एक सा ग्लो दे देता है स्किन को इसके इसे टोनिंग करने के तुरंत बाद। सो मैं इस जो टोनर है इसको आप लोगों को जरूर 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 रिकमेंड करूंगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टोनर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है दिस अल्प्स गुडनेस ग्रीन टी टोनर। ये भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है टोनर की। एंड लास्ट में मैं जो इस टोनर को आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये है बायोटिक बायो क्यूकम्बर टोनर। ये भी एक बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन पीपल टोनर की। तो ये तीन टोनर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। एंड इसके बाद मैं आती हूँ सीटीएम के लास्ट वाली पार्ट यानी एम पे। एंड हियर एम स्टैंड्स फॉर मॉइस्चराइजिंग। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑयली स्किन पीपल को अलग से मॉइस्चराइजर की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी उनके स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है तो उसको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि कोई भी आपके स्किन टाइप कोई भी हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, आपके आपको स्किन को जरूर मॉइस्चराइज करना चाहिए। बट हाँ, आपको आपके जो मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन पीपल को आपके मॉइस्चराइजर बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको चूज करना चाहिए। ऑयली स्किन वालों अगर स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो स्किन के जो पोर्स है उसको क्लॉग करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है एंड इनसे और भी ज्यादा एक्ने एंड पिंपल होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो ऑयली स्किन वालों को आपके जो मॉइस्चराइजर चूज करने बाद बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए, बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर चूज करना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे कुछ मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन पीपल के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। एंड इन सारे मॉइस्चराइजर स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा लाइट है, ये इसमें से कोई भी आपके जो स्किन के पोर्स है उसको क्लॉग नहीं करेगा एंड आपके स्किन में कोई भी एक्ने एंड पिंपल होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। तो जो फर्स्ट मॉइस्चराइजर मैं सजेस्ट करूंगी आज वो है दिस पॉन्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर मैं सजेस्ट करूंगी वो है दिस ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल। एंड क्योंकि इसमें एसपीएफ प्रेजेंट है तो इसको आप इजीली आपके डे स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, ये आपके स्किन के ऊपर एकदम हेवी नहीं फील होगा। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट मॉइस्चराइजर आपको सजेस्ट करूंगी वो है दिस गुड वाइब्स ऑरेंज जेल। एंड इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी दिस निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर। एंड लास्ट में मैं इस लैक्टोकैलामाइन लोशन को सजेस्ट करूंगी, इसको भी आप इजीली एज अ मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन पीपल आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज लैक्टोकैलामाइन स्किन बैलेंस डेली नरिशिंग लोशन ऑयल कंट्रोल विद कर्लिन एंड ग्लिसरीन ऑयली टू नॉर्मल स्किन। दिस इज फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन एंड दिस वन इज सेम बट दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन। तो ये रहे सारे मॉइस्चराइजर्स। एंड सीटीएम के बिना भी देयर आर फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन प्रॉपरली। एंड इसमें जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए बट ऑयली स्किन पीपल को अपने सनस्क्रीन को चूज करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो सनस्क्रीन होती है वो स्किन के ऊपर बहुत ही हेवी फील होता है, स्किन के लगाने के बाद बहुत ही चिटचिटा सा फील होता है। तो ऑयली स्किन पीपल को आपके सनस्क्रीन चूज करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। सो यहाँ पे जो मैं टू सनस्क्रीन आप लोग आज सजेस्ट करूंगी वो है दिस लोटस सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल विद एसपीएफ 50। एंड इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम जेल फॉर्मुलेशन है, स्किन पे लगाने के तुरंत बाद ही ये स्किन पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये एक ग्रेट ऑप्शन है फॉर सनस्क्रीन। एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रीजेना अल्ट्रा शियर ड्राई टच सनब्लॉक विद एसपीएफ 50+। ये जो सनस्क्रीन है ये एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड इस सनस्क्रीन की जो खासियत है वो है दिस सनस्क्रीन इज नॉन कोमेडोजेनिक, ये आपके स्किन को स्किन के जो पोर्स है वो बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा, कोई भी बम्प्स आने की भी चांसेस नहीं रहेगा। सो ये दो सनस्क्रीन मैं ऑयली स्किन पीपल के लिए जरूर जरूर रिकमेंड करूंगी। इसके बाद स्किन केयर के जो नेक्स्ट मोस्ट अदर इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है स्क्रबिंग। एंड स्क्रबिंग के लिए मैं आज तीन स्क्रबर आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। द फर्स्ट वन इज दिस हिमालया प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब। एंड क्योंकि इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है तो
तो ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी दिस बायोटिक बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। एंड लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगी दिस आयुर्सूत्रा फ्रूट स्क्रब। एंड इसकी जो खासियत है, इसकी जो पार्टिकल्स है, इसकी जो ग्रैन्यूल्स है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। ये आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हर्श नहीं होगा। ये आपके स्किन के कोई भी एक्टिव एक्ने पिंपल को कोई भी किसी तरीके से भी डैमेज नहीं करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज मास्किंग। फेस मास्क के लिए मैं आज आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये दो फेस मास्क। वन इज हिमालय हर्बल्स प्यूरिफाइंग नीम पील ऑफ मास्क एंड अदर वन इज अल्स गुडनेस चारकोल फेस मास्क। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा एंड मैंने पहले भी बोली है कि चारकोल स्किन को डीप क्लींस करने में, अंदर से प्यूरीफाई करने में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है, पावरफुल इंग्रेडिएंट है। सो ये दो फेस मास्क को मैं ऑल स्किन पीपल के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी। लास्ट में अगर आपको आपके स्किन के ऊपर सेरम लगाना पसंद है तो मैं सेरम के लिए सजेस्ट करूँगी दिस पापल ऑयल कंट्रोल सेरम विथ टी ट्री एंड पपाया ऑयल एंड दिस गुड वाइब्स रोज इट रेडियंट ग्लो सेरम। ये दो सेरम मैं सजेस्ट करूंगी फॉर ऑयली स्किन पीपल एंड ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन पीपल। अगर कोई भी आपके स्किन के लिए अच्छा खासा एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी इस तीन एलोवेरा जेल को। द फर्स्ट वन इज वॉ एलोवेरा जेल। ये है 99% इसमें प्योर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एंड इसमें इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी दिस सेंट डिवेंस एलोवेरा जेल विथ विटामिन ई। ये एंड इसकी जो खासियत है वो है ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। एंड लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगी दिस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एलोवेरा जेल इन द मार्केट। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं भी इसको ट्राई कर चुकी हूँ पहले। ये Quite good एलोवेरा जेल। तो मैं इस तीन एलोवेरा जेल को आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। सो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। एंड आप लोग मेरे साथ किस किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर ले आऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, लव यू गाइस, बाय बाय।